आरा के विमल उत्सव पैलेस में आज टीटी शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि शिक्षक जब एकजुट होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वेतन और अन्य मांगों की बातें होती हैं। आज आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे तो चलती रहती है, क्योंकि भूखे पेट शिक्षक तो काम करेगा नहीं, उनके भी बाल बच्चे परिवार है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो भूखे पेट रहकर भी हर समस्याओं से ग्रसित होने के बाद भी वो काम करता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है शिक्षक, वो भी बिहार का। जिस परिवेश में काम करता है शिक्षकों के बीच, वो आप सब पत्रकार मीडिया बंधु भी जानते हैं। लेकिन आज हम लोग टेट शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठे हैं। अपने हक अधिकार तो पूरे बिहार में चल रही है। एक तरफ 9 प्रसिद्ध शिक्षकों की जो वेतन विसंगतियाँ हैं, भ्रामक स्थिति बनी हुई है, और विद्यालयों में जो दोरंगी शिक्षा प्रणाली है, आपस में वरीयता के लिए लड़ाई चल रही है, और स्नातक भाइयों का जो इंक्रीमेंट कट जा रहा है हमारे खासकर भोजपुर जिले में, और भोजपुर जिले के शिक्षा पदाधिकारी की ये चाल कह सकते हैं कि आपस में लड़ा लड़ा कर हम शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, कि आप इसमें उलझे रहिए। लेकिन इससे भी चाल जो है बिहार सरकार की, शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए और हमारी और जो विकास की जो ढोंग है, न्याय की जो ढोंग है, सुशासन की जो हमारी प्रचार प्रसार है, उस पर ना ध्यान जाए। लेकिन मैं अपनी आज की बात भोजपुर के शान, पूरे विश्व में परचम लहराने वाले हमारे वशिष्ठ बाबू वशिष्ठ दा, जिन्होंने अपनी गणित की परिभाषा बदल दी, जिसको आज हम लोग नमन करते हुए आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया। और उस विचार गोष्ठी का विषय वस्तु थी वर्तमान बिहार के परिदृश्य में शिक्षा, शिक्षक और समाज की कहाँ है। एक बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर विश्व से पढ़ने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज वही बिहार अपनी शिक्षा खो चुका है, शिक्षक को अपना मान सम्मान खो चुका है, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चे वो अपने शिक्षक को समझ नहीं पाते हैं, और समाज दोनों से ग्रसित है। आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है? और आज TSS जो है, टेट शिक्षक संघर्ष मोर्चा, अपने हक अधिकार के साथ साथ समाज में आने वाले बदलावों के लिए भी सरकार से हल्ला बोलेगी, सब नागरिक बनाने के लिए, बिहार के खोए हुए मान सम्मान के लिए, और बच्चों के अंदर जो चहुमुखी विकास है वो कैसे एक सब नागरिक बनाए, और आने वाले अपने संविधान को समझे, अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्य को समझे, और सभी शिक्षकों में अपने कर्तव्य को आज ने हम लोगों ने प्रेरणा लिया है कि अपने विद्यालयों में जब भी जाएंगे टाइम से जाएंगे और अच्छे गुणवत्तापूर्ण माहौल में एक अच्छे नागरिक बनने का गुण देंगे। जो बातें आज हमारे बीच संवेदी भाई हैं वो बताएंगे कि आज जो शिक्षा का माहौल बिहार में बन गया है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। एक बार का संवेदी चार गोष्ठी का जो मुख्य विषय था, शिक्षा, शिक्षक और समाज, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ूंगा, राजनीति। आज शिक्षा पूरी तरह राजनीति की भेंट चढ़ के और बिल्कुल बर्बादी के कगार में पहुंच गई है। पहले से बर्बाद होती आ रही थी, लेकिन अभी तेज गति से अधोपतन की ओर जा रही है। हम चाहते सिर्फ ये है कि शिक्षा को राजनीति न चलाए, बल्कि राजनीति को शिक्षा चलाए। शिक्षित लोग जब राजनीति में जाएंगे वो शिक्षा के लिए जरूर चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, और शिक्षा को उच्च स्तर पर कैसे ले जाया जाए, नए नए वशिष्ठ नारायण कैसे पैदा किए जाए, उनकी विचार करेंगे। वशिष्ठ नारायण जी के 100 पे जो लोग फूलमाला चढ़ा रहे थे, उनसे ज्यादा मुर्दा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, वो स्वयं मरे हुए हैं। वशिष्ठ नारायण हमेशा विचार के रूप में, अपने सिद्धांतों के रूप में जिंदा रहेंगे, लेकिन जो माला चढ़ा के और हरियाली आंसू रो रहे थे, उनके लाश को एम्बुलेंस तक मुहैया न करा सके, वो क्या शिक्षा की बात करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम नकारते हैं। शिक्षा राजनीति को दिशा निर्देशित करे, समाज को दिशा निर्देश दे, यही मेरी इच्छा है, यही मांग है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक को शिक्षा और समाज के बीच आप कहाँ पाते हैं? शिक्षा और समाज के बीच जो आपने प्रश्न किया कि कहाँ पाते हैं, तो उस स्थिति में तो हम जहाँ देख रहे हैं, आज जिस प्रकार बताया हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कि शिक्षक जो है वो राजनीति की, शिक्षा और शिक्षक दोनों राजनीति की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से पूर्व के वक्ताओं का समर्थन करते हुए मैं अपने बात को भी इसी रूप में रखूँगा कि कहीं ना कहीं समाज में जो ये राजनीति की जो स्थिति है, तो उसमें अच्छे राजनीतिज्ञ जो है शिक्षित लोग के रूप में निखर कर उभर करके सामने आए, तभी जो है, जब तक आपकी राजनीति सही नहीं होगी और वो अच्छी दिशा प्रदान नहीं करेगी,
शिक्षा के लिए, तब तक आपका जो है समाज शिक्षित नहीं हो सकता है। और ये विचार जो गोष्ठी हम लोगों ने रखी आज कि शिक्षा शिक्षक और समाज, तो अच्छी राजनीति ही अच्छे समाज और शिक्षित समाज को ला सकती है, और इसके लिए हम लोग आज संकल्प लेने का यहाँ प्रयास किए हैं।